Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402. And here we are in lecture number 7 of unit number 1. So in the previous lecture, we have started how to solve homogeneous linear partial differential equation, जहाँ पे हम complementary function as well as PI calculation सीख चुके हैं. और PI में हमने अब तक कौन सा case देखा है? That is case 1, when the right hand side is of the form of AX plus BY. Now, in this lecture, हम लोग next case discuss करने वाले हैं. जी हाँ, वही same equations होंगी, but right hand side की जो form होगी, उसमें कुछ change आएगा. तो CF और PI दोनों ही कैलकुलेट करने हैं. तो CF कैलकुलेशन आप लोग देख चुके हैं, वही CF कैलकुलेशन यहां भी चलने वाली है, बिकॉज वी आर डूइंग सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. बट हियर आई विल डिस्कस द पर्टिकुलर इंटीग्रल केस नंबर 2, जब आपकी राइट हैंड साइड एक अनदर फॉर्म में गिवन है, एंड दैट इज एक्स इंटू वाई फॉर्म. जी हाँ, अभी जो हमने पढ़ी है दैट इज एक्स प्लस वाई फॉर्म, अब जो आएगी वो आएगी एक्स इंटू वाई फॉर्म. सो चलिए इस फॉर्म में किस तरह से पीआई को सॉल्व करेंगे, ये जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो दिस इज द केस नंबर 2, जब आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से गिवन आएगा, लाइक डेल क्यूब जेड ओवर डेल एक्स क्यूब माइनस डेल क्यूब जेड ओवर डेल वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब, राइट. सो नाउ दिस टाइम इफ इट इज एक्स क्यूब प्लस वाई, राइट, एक्स प्लस वाई होल क्यूब, देन दिस इज द फर्स्ट टर्म जो हमने पढ़ी, ए एक्स प्लस बी वाई टर्म. बट नाउ ए एक्स प्लस बी वाई नहीं है, दिस टाइम दिस इज एक्स इंटू वाई टर्म. सो दिस इज द सेकेंड फॉर्म व्हेन द फंक्शन राइट हैंड साइड फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स टू द पावर एम एंड वाई टू द पावर एन. तो इस केस में हम पीआई कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे. बट क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आया और हमने पहचान लिया कि दिस इज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना होता है सीएफ, और उसके लिए मैं इक्वेशन को कन्वर्ट करूंगा कैपिटल डी की फॉर्म में. सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज कैपिटल डी क्यूब, बिकॉज दिस इज डेल एक्स क्यूब एंड दिस इज डेल वाई क्यूब. तो दिस इज डी डैश क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब. और यहाँ पे सीएफ के लिए राइट हैंड साइड जीरो हो जाता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं डी की जगह एम, डी डैश की जगह वन, तो इक्वेशन बनती है एम क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. और इस इक्वेशन के अगर रूट्स आप कैलकुलेट करेंगे विद योर हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, सो आपको मिलेगा एम इज इक्वल टू वन एंड माइनस पॉइंट फाइव प्लस माइनस पॉइंट एट सिक्स सिक्स आई. सो दे आर थ्री रूट्स बिकॉज इज अ क्यूबिक इक्वेशन, और बेस्ड ऑन द रूट्स वैल्यू बिकॉज ऑल रूट्स आर डिफरेंट, तो अवर सी एफ इज एफ वन वाई प्लस एक्स प्लस एफ टू वाई प्लस ओमेगा वन एक्स लिख दिया, और यहाँ पे ओमेगा टू लिख दिया, वेयर डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू आप कह सकते हैं ओमेगा कह सकते हैं. दिस ओमेगा वन एंड ओमेगा टू इज इक्वल टू माइनस पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट एट सिक्स सिक्स आए एंड ओमेगा टू इज इक्वल टू माइनस पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट एट सिक्स सिक्स आए. अलग से लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, राइट. सो सीएफ कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला, सीएफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वही सेम चीज यहाँ पे है. ऑक्सिलरी इक्वेशन डी की जगह एम, डी डैश की जगह वन, फाइंड आउट द रूट्स एंड राइट द सीएफ पार्ट, राइट. नाउ द सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द पीआई कैलकुलेशन, तो लेट्स कम अप विद द पीआई वन. सो पीआई के लिए अब की बार राइट हैंड साइड फॉर्म है एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो इस केस में पीआई कैसे कैलकुलेट करेंगे अब समझिएगा. सो पीआई हम कैसे लिखते थे, पीआई कैलकुलेशन हम लिखते थे वन अपॉन ये इक्वेशन बनी थी हमारी डी क्यूब माइनस डी डैश का क्यूब, राइट, और देन इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब. अब की बार जब ये x और y की टर्म है, तो मैं यहाँ पे एक एक्सपेंशन क्रिएट करूंगा. सो यहाँ पे एक्सपेंशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे इस d को कॉमन लेंगे, तो एक तरह से d कॉमन जाने का मतलब है वी आर टेकिंग d क्यूब कॉमन, राइट. तो अगर मैं नीचे वाले पार्ट में d क्यूब कॉमन कर रहा हूं, तो दिस कैन बी रिटन एज वन माइनस डी डैश अपॉन डी होल क्यूब, राइट. वी कैन ऑल्सो रिटन एज लाइक दिस, राइट, इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. नाउ दिस इक्वेशन विल अगेन रिटन एज लाइक दिस कि वन अपॉन डी क्यूब आपका बाहर हो गया, और ये जो नीचे टर्म है वन माइनस डी डैश अपॉन डी होल क्यूब, इसे अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं वन माइनस डी डैश अपॉन डी होल क्यूब एंड होल इनवर्स, राइट. इसको हमने पावर माइनस वन कर दिया, राइट, और इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब. तो प्रोसेस बहुत सिमिलर सा है बट थोड़ा सा डिफर है. सबसे पहले अब की बार एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब गिवन है, तो आई एम टेकिंग द एक्सपेंशन फॉर्म. तो उसके लिए हमने यहाँ पे डी को बाहर किया, डी को बाहर करने के बाद जो आपका फैक्टर बना, इस फैक्टर को हम ऊपर ले गए माइनस वन पावर. अब ये जो टर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं वन माइनस ऑफ दिस वैल्यू की होल इनवर्स, ये यहाँ पे सॉल्व होता है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन. जी हाँ, हम इसे एक्सपैंड करेंगे, और एक्सपेंशन किस बेस पे होता है, इसके लिए
ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकती है, कभी भी कोई भी फॉर्मूला यूटिलाइज हो सकता है। जैसे इस टाइम जो मुझे रिक्वायरमेंट में आ रहा है डेट इज वन माइनस वैल्यू ओवर हियर, सपोज दिस इज एक्स, तो वन माइनस एक्स का होल इनवर्स यानी वन माइनस एक्स इनवर्स, ये फॉर्मूला अभी मुझे यहाँ पे यूज करना है। एंड एज पर दिस एक्सपेंशन वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन अगर एक्सपेंड करना है तो ये हो जाता है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एज सो ऑन, राइट। सो मेरे केस में x जो है वो क्या है, डी डैश बाय डी का होल क्यूब। तो अगर मैं इसे एज पर दिस फॉर्मूला एक्सपैंड करूंगी, डी डैश अपॉन डी होल क्यूब को इनवर्स को हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, वन प्लस देन डी डैश अपॉन डी होल क्यूब देन प्लस डी डैश अपॉन डी होल क्यूब का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, पावर सिक्स हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो डी डैश अपॉन डी की पावर यानी थ्री का क्यूब, थ्री का क्यूब क्या हो जाएगा, डैट इज बिकम 27, राइट एज सो ऑन। लेकिन अब मुझे इसे कितना एक्सपैंड करना है ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर, राइट। अभी तो हमने यहाँ पे सबसे पहले स्टेप देखा कि मुझे इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, उसके बाद मैं इस फॉर्मूले का यूज करके इसे एक्सपैंड कर देंगे, बट इसे कितना एक्सपैंड करना है वो डिपेंड करता है आपके इस राइट हैंड साइड फंक्शन पे जो इसके आगे लिखा हुआ है, डेट इज एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, राइट। अब अगर आप इसको देखें तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे एक्स क्यूब वाई क्यूब आ जाएगा। बट जब सेकेंड फैक्टर आपका है मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे टर्म है डी डैश क्यूब। डी डैश क्यूब का मतलब क्या है, यानी डेल ओवर डेल वाई क्यूब, यानी ये जो आगे फंक्शन लिखा है इसे आप वाई के रेस्पेक्ट में थ्री टाइम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। अब अगर मैं आपको कहूं कि इस फंक्शन को थ्री टाइम वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो जब वन टाइम करेंगे तो ये थ्री वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब इज ए कॉन्स्टेंट टर्म। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो 6y हो जाएगा, और जब मैं थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो दिस इज x क्यूब इंटू 6। और अब अगर मैं आपको कहूं कि इस x क्यूब इंटू 6 को फर्दर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आप मुझे बोलोगे दैट इज 0, बिकॉज यहाँ पे अब y बचा नहीं, यानी कि ये जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन लिखा है ये फंक्शन मैक्स टू मैक्स डी डैश क्यूब तक सॉल्व हो सकता है, उसके आगे की वैल्यू क्या मिलेगी, उसके आगे वैल्यू जीरो मिलेगी। तो अगर मैं आपको कहूं डी डैश की पावर सिक्स, यानी कि वाई को इस फंक्शन को सिक्स टाइम डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो आंसर क्या आने वाला है, आंसर जीरो ही आने वाला है, राइट। यानी ये टर्म भी जीरो बन जाएगी, अगर आप 27 टाइम इस तरह से सोचेंगे तो क्या होगा, जीरो ही बनेगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन गिवन है इस पे डिपेंड करता है कि मुझे यहाँ पे कितने फैक्टर्स एक्सपैंड करने हैं। तो यानी कि फॉर दिस क्वेश्चन एक्स क्यूब वाई क्यूब बिकॉज राइट हैंड साइड में अवेलेबल है, सो आई कैन एक्सपैंड दिस टर्म अप टू दीज टू फैक्टर्स, यानी कि अब इसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया जाता है कि यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन Neglecting higher order term, इसका जो solution है वो क्या हो गया, इसका expansion हो गया 1 plus d dash upon d cube, right? और into x cube y cube. अब इसको हम फर्दर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन करना, यानी कि 1 अपॉन डी क्यूब आपका बाहर चल रहा है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो ये हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस, अब आप यहाँ पे डी डैश क्यूब करेंगे, यानी इसे वाई को वाई इस टर्म को वाई के रेस्पेक्ट में थ्री टाइम डिफरेंशिएट करूंगा, तो एक बार क्या बना था 3y स्क्वायर, सेकेंड टाइम 6y एंड थर्ड टाइम 6, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन डी क्यूब इंटू 6x क्यूब, ये टर्म आपकी यहाँ पे बच गई, राइट। अब फर्दर अगर आप देखेंगे तो 1 अपॉन डी क्यूब के साथ ये जाएगा, और डी क्यूब जब डी क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डी टू द पावर 6, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं, अगर मैं इस टर्म को यहाँ फर्दर सॉल्व करके लिखूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी क्यूब, और ये है आपका एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन डी 6, और ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स क्यूब, राइट। अब 1 अपॉन डी का क्या मतलब है, डी का मतलब तो होता है डेल ओवर डेल एक्स, तो 1 अपॉन डी का क्या मतलब हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो यहां पे अगर आपका डी क्यूब है तो इसका मतलब हुआ कि 3 टाइम आपको इस टर्म को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, डी इज अ डेरिवेटिव जो हमने डेल ओवर डेल एक्स की जगह लिया था, राइट। तो अब अगर मैं इसे 1 टाइम इंटीग्रेट करूंगा सो वाई यहां पर कॉन्स्टेंट है, राइट। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा एक्स 4/4 एक टाइम इंटीग्रेट करने पे, अब वापस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, वापस इंटीग्रेट करूंगा तो 4 की पावर हो जाएगी 5 और एक 5 और नीचे आ जाएगा, राइट। और वापस इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर हो जाएगी 6 और ये 6 भी नीचे आ जाएगा, राइट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसे ऐसे करके देखिएगा, दिस इज एक्स 4/4 द फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन, उसके बाद दो बार अभी और बचा है तो 1/4 कांस्टेंट है, तो सेकंड टाइम पे क्या हो जाएगा एक्स 5/5 अभी एक बार और है, उसके बाद 1/4 इंटू 5 बाहर चला गया, तो जब आप लास्ट टाइम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा एक्स 6/6। तो अल्टीमेटली यही टर्म मैंने यहाँ पे लिखी थी वाई क्यूब इंटू
एक्स की पावर 6 हो जाएगी डिवाइड बाय 4 इंटू 5 इंटू 6। ऑन द सिमिलर वे अगर आपको ये चीज समझ में आई हो इन द शॉर्टकट मैनर, तो आप इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो। 6 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, एक्स क्यूब को जो 1 टाइम करूंगा एक्स 4, 2 टाइम करूंगा एक्स 5, थर्ड टाइम पे एक्स 6, 7, 8, 9, तो हाईएस्ट पावर कहां पहुंचेगी, 9 तक पहुंचेगी। और सिमिलरली नीचे क्या आते जाएंगे, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा और 9 भी आएगा, ऑल आर इन मल्टीप्लाई टर्म। राइट, सो अल्टीमेटली जो हम यहाँ पीआई कैलकुलेट कर रहे थे, इन दिस केस वी फॉर्म द बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल को हम एक्सपैंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन, उसके बाद आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होता है, उसके बाद आपको ये पीआई यहाँ पे कैलकुलेट होके मिला है। राइट, अब जो टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल आउट कर लीजिए, अदरवाइज जस्ट राइट योर कंप्लीट सॉल्यूशन की ये जो टर्म बन रही है, बन रही है वाई क्यूब एक्स टू द पावर 6 डिवाइड बाय, अगर आप इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 120 बनेगा। और सिमिलरली यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल आउट हो रहा है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एक्स टू पावर 9 डिवाइड बाय 10080। सो व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, पीआई आ गया। सो व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन इज सीएफ विद पीआई। राइट, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि मैं अब तक हर एक लेक्चर में आपको अपडेट करता आ रहा हूं कि ये स्टेप अगर आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क्स हर हाल में डिडक्ट हो जाएंगे। राइट, तो आई होप कि कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि इस केस में हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए। सो हियर इज द गिवन क्वेश्चन, डी स्क्वायर माइनस 6dd प्लस 9d स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 36xy। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन बिकॉज ऑल आर ऑफ सेम डेरिवेटिव, ऑल डेरिवेटिव आर ऑफ सेम ऑर्डर। सो सबसे पहले हम यहाँ पे सीएफ कैलकुलेट कर देंगे, एंड फॉर सीएफ डी की जगह हम क्या लिखते हैं एम, डी डैश की जगह 1, तो ये इक्वेशन होगी एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जहां पे आपके फैक्टर बन गए m माइनस 3 होल स्क्वायर, यानी कि m के दो फैक्टर यानी कि 3 एंड 3। इन दैट केस वी कैन राइट द सीएफ f1y प्लस 3x प्लस x इनटू f2y प्लस 3x. This is the CF calculation. Then the second part is for the PI calculation. तो अब अगर मैं PI की बात करूं तो PI इस केस में आप कैसे लिखेंगे, जी हाँ आपकी बार राइट हैंड साइड पे आपके पास दो फैक्टर्स अवेलेबल हैं, एक है 12x square और एक है 36xy। यानी कि सबसे पहले अगर मैं इसे ब्रेकअप कर लूं तो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 6 डी डैश एक बार आ गया 12x स्क्वायर के साथ, प्लस यही सेम फैक्टर एक बार आ गया 36xy के साथ। यानी कि दिस पोर्शन आई कैन लेट दैट दिस इज सपोज p1 एंड दिस पोर्शन आई कैन लेट सपोज p2। अब मुझे इन दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करना है, यानी इन दोनों के लिए pi कैलकुलेट करना है। तो अब इनमें फॉर्म देखी जाती है, तो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या फॉर्म बन रही है x इंटू वाई, यानी ये मेरी x इंटू वाई वाली फॉर्म है। बट वहीं पर अगर आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो 12 इज अ कांस्टेंट 1 और यहां पे ये x का होल स्क्वायर है, यानी कि दिस कैन बी टर्न एज x प्लस 0y होल स्क्वायर। यानी कि कौन सी टर्म बन गई, ये बन गया आपका पहला वाला केस जहां हमने पढ़ा था ax प्लस by टू द पावर, राइट, कुछ भी हो सकती है या सिंपली ax प्लस by। और इस केस को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मैं इस p1 को सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, p1 इज इक्वल टू 12 अपॉन दिस और ये हो गया x स्क्वायर। राइट, सो यहां पे 12 अपॉन, अब की बार ये क्या है, ये केवल ax प्लस by है, तो a की जगह क्या है, a की जगह 1 है ना, तो d स्क्वायर की जगह आपका 1 स्क्वायर हो जाएगा, 6 इंटू d की जगह 1 हो जाएगा, d डैश की जगह 0 हो जाएगा बिकॉज y एलिमेंट है ही नहीं, और सिमिलरली ये भी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि d डैश की जगह 0 है, और इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर। और इसको हमें कितनी बार इंटीग्रेट करना है, जी हां इसको हम करेंगे दो बार इंटीग्रेशन क्योंकि ये d स्क्वायर वाला ऑर्डर है, राइट, सेकेंड ऑर्डर। तो अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा 12/1, सो अल्टीमेटली ये हो गया 12/1, और इसे दो बार इंटीग्रेट करने का मतलब है एक बार हो जाएगा u क्यूब बाय 3 और दूसरी बार u 4/4, राइट, तो 3 इंटू 4 यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा u 4/3 इंटू 4, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स दिस बिकम u की पावर 4 और u अल्टीमेटली क्या था, u अल्टीमेटली x था, तो दिस बिकम x टू द पावर 4 इज द pi फॉर दिस पार्ट। राइट, तो ये आपका केस वन जो हमने लास्ट लेक्चर तक अभी सीखा है ax प्लस by वाली टर्म उस पे बेस्ड है। बट अगर वहीं पे आप इस p2 पोर्शन को देखेंगे, सो नाउ दिस p2 पोर्शन कंटेन्स अ टर्म x इंटू y, यानी कि यहाँ पे केस 2 लगने वाला है। और केस 2 में हमने क्या सीखा है कि हमें बाइनोमियल एक्सपैंड करना होता है, तो उसके लिए आप इस डिनोमिनेटर पोर्शन को बना लेंगे फैक्टर की फॉर्म में। हमने फैक्टर क्या कैलकुलेट किए थे ये आपको सीएफ बताएगा, सीएफ में हमने लिखा था m माइनस 3 होल स्क्वायर। राइट, सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन इन द सेम मैनर की डी माइनस 3 डी डैश होल स्क्वायर इंटू 36xy।
राइट। अब यहाँ पे सेम चीज है, मुझे इसे बायनॉमल एक्सपैंड करना है, तो यहां से मैं पहले डी को बाहर लेके जाऊंगा, तो ये टर्म बन जाएगी यहाँ पे अब डी स्क्वायर बाहर, और ये बन जाएगा 1 माइनस 3 डी डैश बाई डी, एंड दिस इज होल स्क्वायर इंटू 36xy, राइट। अब उसके बाद ये जो टर्म है, ये जो स्क्वायर आपने बनाया, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये टर्म बन जाएगी 1 अपॉन डी स्क्वायर, और ये आपकी टर्म आ जाएगी 1 माइनस 3 डी डैश बाय डी की पावर माइनस 2 इंटू 36xy। नाउ द सेम थिंग, फिर से बायनॉमियल एक्सपेंशन करना है, इसको एक्सपैंड करना है, और अब की बार अगर आप यही सेम फॉर्मूले जो मैंने अभी आपको दिखाए थे देखेंगे, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस ऑफ 2, अब की बार ये एक्सपेंशन यूज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, तो ये एक्सपेंशन अब की बार अगर आप यहां पे अप्लाई करेंगे, और कितने टाइम मतलब कितना एक्सपेंड करूं, सो सेम चीज है यहां पे, फर्स्ट फैक्टर है 2x और सेकंड फैक्टर क्या आएगा 3x स्क्वायर, यानी व्हाट इज x ओवर हियर, x इज d 3 d डैश बाय d, यानी अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो इसका स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 9 d डैश स्क्वायर बाय d स्क्वायर, तो ये जो राइट हैंड साइड आगे रखा हुआ है 36xy, ये केवल y के रिस्पेक्ट में सिंगल टाइम डिफरेंशिएट हो सकता है, अगर आप इसे डबल टाइम या उससे ज्यादा डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल ऑलवेज जीरो, दैट मींस मैं फिर से यहां पे हायर ऑर्डर टर्म नेग्लेक्ट कर दूंगा, आई विल ओनली एक्सपेंड टू दिस टर्म, यानी कि 1 प्लस 2x, यानी कि अगर हम इसे एक्सपैंड करें तो ये टर्म क्या हो जाएगी 1 बाय डी स्क्वायर, और इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू एक्स, एंड व्हाट इज x, x इज 3 डी डैश बाय डी, राइट, इंटू 36xy, जो कि यहां पे राइट हैंड साइड पे अवेलेबल है, राइट right? अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये फर्दर राइट, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, ये हो जाएगा हमारा 36xy, इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 डिवाइड बाई डी, और डी डैश से इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या बना 36 ऑफ x, राइट। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, सो 2 टाइम्स इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, और देन सेकंड टाइम इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 2 इंटू 3, यहां पे 36 एज अ कांस्टेंट, y एज अ कांस्टेंट, राइट right? और जब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी क्यूब बन चुका होगा, तो डी क्यूब का मतलब क्या हो गया 6 इंटू 36 तो हमारा ऊपर है ही, और डी क्यूब का मतलब x को 3 बार इंटीग्रेट करना है, यानी पहली बार x का स्क्वायर बनेगा राइट 2 नीचे आएगा, फिर x क्यूब बनेगा 3 नीचे आएगा, फिर x4 बनेगा 4 नीचे आएगा, यानी ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा x4 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4। अब इसे सिंपल सॉल्व कर लीजिए, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है, लाइक यहाँ पे 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 6 बच जाएगा, और यहाँ पे 3 इंटू 6 6 6 ये कैंसिल आउट हो गया, और 4 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा 9, सो व्हाट इज द रिमेनिंग वन 6yx³ + 9x4, राइट। सो दिस इज द सेकंड पार्ट, और इसी तरह हमने यहाँ फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, वो था x4, तो अल्टीमेटली पीआई हमारा क्या है, पीआई तो इन दोनों का ही पोर्शन है, तो x² x⁴ प्लस यहाँ पे हमारा बना है 6 ऑफ x क्यूब y प्लस 9 ऑफ x टू द पावर 4, यानी अल्टीमेटली पीआई कितना हो गया, पीआई हो गया 6 ऑफ x क्यूब y प्लस 10 x ऑफ 4, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट पीआई फॉर दिस केस। क्वेश्चन जरूर समझने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि एक्सपेंशन करना है, बट अगर आप यही दो क्वेश्चन दोबारा से अपने आप से करेंगे ना, तो आपको एक्सपेंशन बहुत ईजी लगेगा, राइट। और एक्सपेंशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूले दे दिए हैं, इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखिएगा, सो दैट क्वेश्चन में आप कोई भी अगर किसी भी टाइप का एक्सपेंशन आ रहा है, लाइक 1 माइनस एक्स बन रहा है, 1 प्लस एक्स बन रहा है, तो आप उसे सॉल्व कर सकें। विद दिस लास्ट स्टेप कंप्लीट सॉल्यूशन, सो पीआई कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पे लिख दीजिएगा। विद दिस योर केस नंबर 2 इज कंप्लीटेड। तो अगर आपको केस कौन सा आता है इस पे जरूर डिपेंड करता है, और ये मैं आपको पहले लेक्चर से ही बोल रहा हूं, यहाँ पे जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली लिखा आता है सॉल्व, सो वहां पे कुछ नहीं पहचान पड़ेगी, कि क्वेश्चन नहीं बताएगा कि आपको कौन सा केस है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा केस हमें यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और हमें किस तरह से सॉल्यूशन को प्रोसीड करना है। ये हो गई केस नंबर 2 की बात, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और नया केस डिस्कस करेंगे, दैट इज केस नंबर 3, दैट इज कॉल्ड द जनरल मेथड, कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि केस 1 है या केस 2 है, तो हम जनरल मेथड का यूज करके अपने होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फॉर दैट मेथड बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।